Yes, students, recording has started. Now we can start our session. Let me share the screen before you. Yes, sir. Is it whiteboard visible to everyone? Okay, thank you so much Charayu, thank you so much everyone for your wonderful and quick reply. Three, 14, 58, 234, 938. Yes, try to solve this question. And what is next going to be? Try to solve the students. 3, 14, 58, 234, 938. Yes, as I've again, मैंने आपको कल क्या बताया था? See the given series. Look at the series started with single digit number. और यहाँ पर three digit पे end हो रही है. It means ये possible कभी होगा जब आप उस number को multiply करोगे. So कैसे multiply होगा anyone? And what is your next number going to be? Obviously that number would be in four digit हो सकता है. Because 3 ka 2, 2 ka 2, 2 se 3, again 3 se 3, then obviously next number going to be a 4 digit. That is only possible when you multiply. So, ki jab chote number se agar number badhte badhte, 3 single digit se agar 4 digit mein ho jata hai, that is only possible in case of what? When you do multiplication. So, kya ho sakta answer? Yes, Praneet ka and Priyanka ne sabse pehle answer diya hai. Very good. What they are telling कि सर क्या करना है हमें यहाँ पर. See, आज पहले आपको ये concept को समझना है students कि आपको करना क्या है. जैसे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर 3 है तो 3 से पहले आपको 14 चाहिए तो कैसे मिलेगा. देखो आप जब 3 को into 4 करोगे तो आपको 12 मिलेगा because 3 5 है 15 होता है, that is not going to be apply. So 3 into 4 कितना होगा 12 plus इसमें आप 2 करोगे तो आपको 14 मिलेगा. तो ये वाला रूल आगे वाले नंबर पे हो रहा है क्या. देखो यस 14 into 4 कितना होगा students 56 प्लस अगर 2 करोगे तो 58 होगा. वेरी गुड. तो इट मींस व्हाट. तो एवरीवेयर इनटू 4 प्लस 2. तो यहां पर देखो इनटू 4 प्लस 2, यहां पर भी इनटू 4 प्लस 2, यहां पर भी इनटू 4 प्लस 2, यहां पर भी इनटू 4 प्लस 2. सो ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी इनटू 4 प्लस 2. तो क्या होगा 938 इनटू 4 एंड प्लस 2 which is nothing but going to be a what students, what is answer going to be 3754. Yes, clear this everyone. Yes, chalo great. Yes, ये वाला try करो. 3, 25, 255, 2545. What is number going to be 3, 25, 255, 2545 and 25455. Yes. Students, questions koi bhi aapko aa sakta hai. कैसे भी आपको आ सकता है, आपको उसे सॉल्व करने के लिए आना चाहिए.
इसीलिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर देखो क्या करोगे। सी पहले हमें 3 से 25 चाहिए। सो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज वी हैव? ओके ज्ञानेश्वर ने आंसर दिया है 254। और नहीं ज्ञानेश्वर, नो ओके। सी यहां पर क्या हो सकता है, आप लोग प्रणीत वॉज वेरी क्लोज टू इट। सी यहां पर आपको दिख रहा है कि 3 को अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया सो 3 टाइम्स होगा 30, बट मुझे चाहिए 25, माइनस 5 करो तो ये हो गया 25। यस और नो, व्हाट इज नेक्स्ट गोइंग टू बी? आपने अगर 25 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 250, बट व्हाट इज नेक्स्ट नंबर इज 255, तो यहां पर होगा प्लस 5। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, ये हो गया एक बार माइनस एक बार प्लस, क्लियर एवरीवन? तो यहां पर देखो, यहां पर क्या करना है आपको, इंटू 10 करना है, ये होगा माइनस 5, ये होगा इंटू 10 प्लस 5, तो ये इंटू 10 माइनस 5 इंटू 10 प्लस 5, तो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी? इंटू 10 माइनस 5, क्लियर दिस एवरीवन? सो दिस इज नथिंग बट 254 5 4 5, वेरी गुड ईश्वरी, 254545। साइली प्लीज प्लीज रिकनेक्ट अगेन, माय वॉइस इज वेरी क्लियर, माझा आवाज सगळ्यांपर्यंत येतोय, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस साइली, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज चेक कनेक्टिविटी एट युअर एंड, बिकॉज अदर स्टूडेंट्स कॅन हियर मी प्रॉपरली, सो देर इज नो प्रॉब्लम एट माय एंड। ओके चलो, दिस क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन? चलो टेक वन मोर प्रॉब्लम, लेट अस सी कौन करता है सबसे पहले। 4725 1050 300 120 80, व्हाट इज नेक्स्ट? ट्राई दिस। ओके क्या होगा यहां पर स्टूडेंट्स, ये वाले केस में देखो क्या करना है आप लोगों को, ये पता है फी
कि यहां पर ये लार्जेस्ट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर इससे भी छोटा होगा, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब मैंने आपको कल बताया था डिवाइड करोगे। अब ऐसे वाले केस में आपको कैसे करना है देख लीजिए, मैं आपको कुछ ट्रिक समझा देता हूं। हमेशा ये जो सबसे छोटा वाला नंबर होता है उसे पहले पकड़, इसको पहले पकड़ लीजिए। अगर सपोज मैंने 120 को, मैंने अगर 120 को डिवाइड बाय 80 किया तो 0 0 विल गेट कैंसल, राइट? तो यहां पर आपका होगा 1.5, यस और नो? 8 1 8, 8 5 40, मतलब ये जो है डिवाइड, ये वाला सेक्शन, ये 1.5 होगा। अब ये देखोगे तो ये आपको मिलेगा 2.5, ये वाला देखोगे तो स्टूडेंट्स ये आपको मिलेगा 3.5, और ये वाला आप देखोगे तो ये वाला आपको मिलेगा 4.5। इट मीन्स ये 4.5, 3.5, 2.5, 1, मतलब कितने का फर्क है स्टूडेंट्स? 1 1 का फर्क है। तो डेफिनेटली ये वाला क्या नंबर होगा? 0.5, एग्जैक्टली। तो 80 को अगर आप 0.5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 160। कितना होगा? 40 होगा, यस। राइट डाउन दिस। नहीं, 40 स्टूडेंट्स नहीं होगा ना, 80 को सी 40 कैसे होगा? 160 होगा ना, मैंने आपको 160 बोला था ना, यस। 40 नहीं होगा, बिकॉज आप अगर आप देखो 120 को आपने 1.5 से डिवाइड को तो 80 मिला, तो आप जब 80 को अगर आप 0.5 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 800 हो जाएगा, नीचे 5 होगा, तो आंसर होगा 160। ये होगा आपका 160 स्टूडेंट्स। राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? चलो ये वाला ट्राई करो, 24, 48, 144, 576। ओके, डू दिस। व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी? ये आपको फाइंड करना है। यस, ये वाले केस में सभी लोग का आंसर आ रहा है। व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी? सो दिस इज वेरी सिंपल। यहां पर देखो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये देखो 24 को से 48 चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 48 से 43 इंटू 3 होगा,
ये इंटू फोर होगा, ये वाला इंटू फाइव होगा, तो डेफिनेटली आगे वाला क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटू कितना होगा सिक्स। सो 2880 इंटू सिक्स विच इज गोइंग टू बी व्हाट 17280। क्लियर दिस एवरीवन? थ्री सिक्सटी थ्री ये वाला ट्राई करो, 795, 1227, 1659 एंड 2091 एंड व्हाट इज नेक्स्ट, करो ये फाइंड। अब ऐसे वाले देखो स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट हुआ है थ्री डिजिट से, नो यहां पर कोई भी क्यूब नहीं है ज्ञानेश्वर, कोई भी नंबर क्यूब नहीं है। ऐसे वाले नंबर पे आपको क्या करना है, देखो स्टार्टेड भी थ्री डिजिट्स और थ्री डिजिट से कोई पांच डिजिट तक नहीं गया, खाली फोर डिजिट तक गया है, और यहां पर देखो टू डिजिट से गया है चार डिजिट पे, सॉरी पांच डिजिट पे, तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई है, ये आपको क्लियरली पता चल गया। लेकिन ये वाले केस में स्टूडेंट देखो, आपको थ्री डिजिट से स्टार्ट हुआ है और यहां पर कोई भी नंबर 363 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नंबर्स आगे वाले नहीं मिलेंगे, तो यहां पर क्या करना है, बेटर आप डिफरेंस फाइंड करो। यस प्रियंका ने बता दिया, देखो डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो ऐसे वाले केस में कभी कभी दिखने में डिफिकल्ट होता है बट एप्लीकेशन बहुत ईजी रहेगा। यहां पर देखो डिफरेंस 432 है, ये भी डिफरेंस 432 है, ये भी 432 है, ये भी फोर, बट ऑब्वियसली डिफरेंस है, तो आगे वाला भी क्या होगा 2091 प्लस 432 कितना होगा स्टूडेंट 2523। राइट डाउन दिस, यस ग्रेट। यस नाउ ट्राई दिस, फाइव ये आप लोग कर लोगे, फाइव फाइव फिफ्टीन सेवेंटी फाइव 525 4725। ट्राई दिस, ये वाले हमने कल किए, अभी हम लोग खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के सम कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर स्टूडेंट्स आपको क्लियरली पता चल गया है, ये देखो ये फाइव से फाइव कब मिलेगा, फाइव इंटू वन फाइव वन जा फाइव, फाइव से फिफ्टीन कब मिलेगा, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन से ये कब मिलेगा, इंटू फाइव सेवेंटी फाइव, मतलब ये इंटू वन है, ये इंटू थ्री है, डायरेक्ट देखो ये इंटू फाइव है, ये इंटू सेवन है, ये इंटू नाइन है, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी, इंटू क्या होगा, बट ऑब्वियसली इंटू कितना होगा 11, बिकॉज ये तो सारे ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11, सो व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी 4 7 2 5 11 कितना होगा आंसर, व्हिच इज 51975। राइट डाउन दिस,
क्लियर दिस? ग्रेट. नेक्स्ट ट्राई करो. 759, 423, 255, 171 and 120. Now what is next? Do this fast. क्या आंसर आएगा? प्रियंका सिंह 108. ओके, देखो हम लोग चेक करते स्टूडेंट्स क्या हो सकता है. ऐसी ये डिफरेंस मुझे बताइए कितना, ये वाला डिफरेंस. हु विल टेल मी ये डिफरेंस कितना है? ओके, थ्री, बट दैट इज माइनस 336 बिकॉज बड़े से छोटे जा रहे. ये वाला कितना है? ये वाला कितना है? दैट इज आई थिंक सो प्रियंका, इट इज 168, नॉट 260, इट इज 168. ये वाला कितना है? माइनस 84. व्हाट अबाउट दिस? माइनस 42. यस. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, व्हेन यू लुक एट द नंबर, देन the next number is what? The next number is what? Is what? Half of the first number? Yes or no? See, 42 क्या है? 42 which is 84 का half हो गया. तो आपको मिला 42. अब देखो 84 कैसे मिलेगा? 168 का half करो तो आपको 84. तो मुझे बताइए students, 42 का half कितना होगा? 42 का half 21, which is minus going to be. So 129 minus 21, which is going to be 109. Write down. This is your going to be a correct answer. Clear everyone this? Yes, it is 108. It is 108. Sorry, 108. Yes, Pranit, it is 108. Yes, yes, Shirang, it is 108. Clear, Priyanka Desh? ग्रेट, थैंक यू. सो आप लोग काफी अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है. मैं अलग अलग क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं क्योंकि ये 5 मार्क के लिए आता है स्टूडेंट्स. प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है. 0.8 0.8 3.8 12.6 44.8 188.2. Tell me what is answer going to be?
हाँ ओके, एनीवन हु गॉट द आंसर? ओके, नैनेश्वर सिंह 178.9। ओके लेट मी चेक, नैनेश्वर 178 पॉइंट नहीं होगा। द रीजन इज दैट बिकॉज नंबर्स आर इंक्रीजिंग, सो ऑब्वियसली योर नंबर शुड बी मोर देन 188.2, इट शुड नॉट बी लेस देन दैट। तो यहां पर क्या हो सकता है, लेट मी प्लीज पे अटेंशन। सी 0.8 × 1, मैंने क्या किया, 0.8, तो 0.8 मिला मुझे, कितना चाहिए 3.8, तो मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 3.8। क्लियर एवरीवन दिस? व्हाट इज नेक्स्ट, फिर 3.8 × 2 करो, दैट वुड बी अ 7.6, प्लस मैंने इसमें 5 ऐड कर दिया, तो दैट विल बिकम 12.6। मतलब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, आप मल्टीप्लाई वाला नंबर एक एक से इंक्रीज होगा, देखो इंटू 1 डायरेक्टली करो, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, तो यहां पर इंटू 5 होगा, और एडिशन वाला नंबर ऑड नंबर ऐड है, देखो यहां पर प्लस 3 हो रहा है, यहां पर प्लस 5, यहां पर प्लस 7, यहां पर प्लस 9, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, प्लस 11। तो देखो कितना सिंपल है, आपको ये वाला खाली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर? सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट स्टूडेंट? That is nothing but 950. Write down this. Clear this? नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये वाला ट्राई करो, 76, 43, 13, व्हाट इज नेक्स्ट? यस, देखो यहां पर स्टूडेंट्स कैसे करोगे, देखो इट वॉज वेरी सिंपल। यस, देखो यहां पर क्या करोगे, ये जो देखो अब आपको, आप 76 पकड़ोगे, 43 पकड़ोगे, 13 पकड़ोगे, तो आपको नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट्स नहीं मिलने वाला है। बेटर व्हाट यू डू, 76 जो लिखा उसका ऐसा करो, 76 का कितना होगा 42, और प्लस उसमें 1 करो तो आपको मिलेगा नेक्स्ट नंबर 43। अब 43 में देखो 4 × 3 है, तो 12 होगा, प्लस उसमें 1 ऐड करो तो आपको मिलेगा नेक्स्ट नंबर 13। तो 13 को भी कैसे करना है, 1 × 3 कितना होगा 3, प्लस 1 ऐड करो तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा 4। क्लियर दिस एवरीवन?
ओके नेक्स्ट करते हैं। फोर टू टू थ्री सिक्स व्हाट इज नेक्स्ट, फोर टू टू थ्री सिक्स व्हाट इज नेक्स्ट, टेल मी स्टूडेंट्स क्या होगा। ओके लेट्स चेक स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट से सेकंड वाला चाहिए, तो फोर को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको टू मिलेगा। अब टू से टू कैसे आएगा, टू वन जा टू होगा, फिर टू से थ्री कैसे आएगा, 1.5 तो थ्री होगा। मतलब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला नंबर आपका 0.5 से इंक्रीज हो रहा है। मतलब देखो ये 0.5 हो गया तो ये 1 हो गया, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2, तो ये होगा 2.5, इट इज 15। यस क्लियर दिस एवरीवन, 2.5 इनटू 6 होगा 15। यस ग्रेट, ये वाला ट्राई करो, 1200 1119 1055 and 1006, ये वाला ट्राई करो स्टूडेंट। बड़े वाले नंबर जब दिखते हैं स्टूडेंट्स, जहां पर आपको लगता है कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगा, वहां पर ऑलवेज डिफरेंस फाइंड करो, बाकी कुछ मत करो। सेम देखो, 2561 2440 2359 2310 एंड 2285, व्हाट इज नेक्स्ट, ये दोनों करो फटाफट। ओके प्राची कह रहे कि 970 होगा, यस ये डिफरेंस कितना है प्राची, ये वाला डिफरेंस कितना है, आई थिंक सो 81, ये वाला 64 माइनस 81 माइनस 64, ये वाला कितना होगा माइनस 49, तो बट ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर कितना होगा माइनस 36, सो 1106 में से अगर 36 गया स्टूडेंट्स, व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी, 970। यस क्लियर, क्लियर एवरीवन दिस, और यहां पर आंसर क्या आ रहा है सेकंड का, सेम होगा, डिफरेंस खाली निकालो। यहां पर क्या डिफरेंस होगा, 2561, ये डिफरेंस कितना होगा माइनस 21 121, ये वाला माइनस 81, ये वाला 49, मतलब ये देखो ये 11 का स्क्वायर है,
ये 9 का है, ये 7 का है, तो आगे होगा 5 का स्क्वायर विच इज 25, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर विच इज 9. सो 2285 माइनस 9 दैट इज गोइंग टू बी 2276. क्लियर एवरीवन? यस. तो हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ताकि इसमें आपको 5 में से एटलीस्ट मैक्सिमम 4 और मैक्सिमम 5 भी मिलने चाहिए एग्जाम में. ये वाला ट्राई करो, 1 14 78 395. What is next? एनीवन हु गॉट द आंसर? देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 से 14 का डिफरेंस काफी बड़ा है, तो आप व्हाट यू कैन डू, 1 इंटू 7 कितना होगा, 7 प्लस उसमें 7 ऐड करो तो आपको मिलेगा 14. तो 14 इंटू 6 करो, 14 6 जा 84, माइनस 6 करो तो आपको मिलेगा 78. तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये इंटू 7 प्लस 7, ये इंटू 6 माइनस 6, ये इंटू 5 प्लस 5, ये इंटू 4 माइनस 4 होगा. क्लियर दिस एवरीवन? एंड विच इज गोइंग टू बी अ 1576. राइट डाउन. सो सेम रूल आपको एवरीवेयर अप्लाई होना चाहिए. Clear this everyone students? Okay. Now, अब देखो स्टूडेंट सेकेंड पार्ट देखते हैं, फाइंड रॉन्ग नंबर वाला जो अपना पेंडिंग था, पहले हम लोग उसे कवर करते हैं. तो अपना ये आज आपको इसका असाइनमेंट भी मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए. ओके चलो, अब इसमें से आप मुझे बताइए, आपको अभी फाइंड करना है फाइंड रॉन्ग नंबर, आपको पूरा एक सीरीज मिल जाएगा. आपके पास है 10, 4, 3, 3.5, 6, 15 and 41. You have all digits, you have all numbers, और आपको इसमें से कौन सा नंबर गलत है वो आपको फाइंड करना है. टेल मी फास्ट स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फाइंड रॉन्ग नंबर.
ओके विल चेक इट आउट नाउ. ओके एज वी हैव डिस्कस स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि एज एवरीवन नोस कि अगर 10 का अगर मैंने 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 5, माइनस 1 मैंने किया तो मुझे यहां पर मिलेगा 4, राइट. अब मैं क्या करूंगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 4, 1 जा 4, माइनस 1 करूंगा मुझे 3. सो आपको इससे क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि मल्टीप्लाई करने वाला नंबर विल इंक्रीज बाय व्हाट और इंक्रीजिंग बाय व्हाट, 0.5 और माइनस आप कर रहे हो वो नंबर सेम रह रहा है. तो यहां पर देख लीजिए फिर 3 × 1.5 दैट इज 4.5, माइनस 1 करो तो ये हो जाएगा 3.5. सो 3.5 × 2 होगा विच इज गोइंग टू बी 7, माइनस 1 करो तो नेक्स्ट नंबर होगा 6. अब 6 से आगे क्या होगा, 6 × 2.5 विच इज 15, बट माइनस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 14. तो आपका गलत नंबर कौन सा है, बिकॉज यहां पर एक्चुअली होना चाहिए 14 और दिया हुआ है 15. सो विच इज द रॉन्ग नंबर, 15 इज द रॉन्ग नंबर. ये आपको क्लियर हो गया. सो इज द वे, कॉन्सेप्ट सेम है, खाली आपको गलत नंबर आपको फाइंड करना है, दैट्स इट. होप दिस क्लियर एवरीवन. चलो लिख लिया आप लोगों ने ये. ओके ग्रेट. ये वाला ट्राई करो. फाइव जीरो फोर जीरो 720 120 24 6 3 and 1. चलो टेल मी फास्ट कौन सा नंबर गलत होगा. स्टूडेंट देखो आपको इतना तो पता चल गया कि ये कहां से आया है, स्टार्टेड विद 4 digit number एंडेड विद 1 digit number विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन व्हाट, व्हेन यू डिवाइड. सो व्हेन यू डिवाइड 5040, देखो 5040 व्हेन यू डिवाइड बाय 720, 00 विल गेट कैंसिल तो आपको यहां पर मिलेगा 7. तो मतलब इट मींस व्हाट, ये हो गया डिवाइड बाय 7. सो 5040 को डिवाइड बाय 7 करोगे तो ये मिलेगा, ये होगा डिवाइड 6, ये होगा डिवाइड 5, ये होगा डिवाइड 4 और ये होगा डिवाइड 3. तो स्टूडेंट देख लीजिए आप जब 6 को डिवाइड बाय 3 करोगे तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 2, तो ये गलत है, यहां पर 2 होना चाहिए तो 3 इज क्लियर एवरीवन. अगर ये आया फाइंड रॉन्ग नंबर तो ऐसे टाइप का रॉन्ग नंबर आएगा आपको. चलो नेक्स्ट करो.
140, 157, 193, 242, 310, 395, and 497. Try this. यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगेन व्हेन यू गो डिक्रीजिंग ऑर्डर, चलो ये तो 17 दिख रहा है डिफरेंस, राइट, ये वाला डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला डिफरेंस, अब वन मिनट स्टूडेंट्स, वन मिनट, यस ये 17 है, ओके व्हाट इज नेक्स्ट डिफरेंस गोइंग टू बी स्टूडेंट्स, 193 माइनस 157 अगर आप करोगे तो यू विल गेट 36, ये डिफरेंस क्या हो रहा है, 242 माइनस 193 व्हाट इज डिफरेंस गोइंग टू बी, 49, यस व्हाट इज नेक्स्ट डिफरेंस गोइंग टू बी, व्हाट इज नेक्स्ट डिफरेंस, 68, ये वाला डिफरेंस बोलो, 85, okay, what is next difference going to be, 102. Students, देखो आपको यहां पर एक ये पता चल रहा है कि आपको यहां पर क्या समझ रहा है, एक्सेप्ट, सी एक्सेप्ट ये दो नंबर अगर आप ओमिट करते हो तो बाकी सारा 17 वन जा 17 फोर जा 17 फाइव जा 17 सिक्स जा 17 का टेबल है. Yes. According to you, what is going to be the wrong number? किसी ने आंसर दिया है? नहीं, आंसर, okay, 193 is wrong number. Okay, ठीक है, very good. तो देख लीजिए students, यहाँ पर क्या हो सकता है? Yes. Actually, यहाँ पर अगर 17 ones are 17 आप लिखते हो, तो next क्या होगा? 17 twos are 34 होना चाहिए, yes or no? तो ये 36 जो नंबर है 36 माइनस 2 करोगे तो 74, तो 34 होगा,
तो अगर आपको ये 36 करना है तो ये अगर आपका 34 होना चाहिए और ये आपका 51 होना चाहिए, यस और नो? तो ये 36, अगर मैंने ये 34 कर लिया स्टूडेंट, तो ये नेक्स्ट नंबर वुड चेंज, तो ये आपका हो जाएगा 191, यस और नो? देखो ना, 157 में अगर आप लोगों ने 34 ऐड कर दिया तो आपका नंबर मिलेगा 191। तो अगर मेरा 191 चेंज हो रहा है तो ये 191 में मैं आगे का अगर 51 डालता हूँ, ऐड करता हूँ, तो मुझे 242 मिल रहा है क्या? यस, 242 मिल रहा है, यस, वेरी गुड। तो इट मींस व्हाट, ये कब पॉसिबल हो रहा है? जब मैं यहाँ का 36 की जगह पर मैं 34 लिख रहा हूँ। सो 157 में मैंने अगर 34 ऐड कर दिया तो आई विल गेट 191, एंड 191 और 242 का डिफरेंस कितना होगा? 242 में से अगर आपने 191 को माइनस कर दो, बाय डिफॉल्ट आपको डिफरेंस मिलेगा 51। सो व्हाट इज माय रॉन्ग नंबर गोइंग टू बी? 193। राइट डाउन दिस। क्लियर दिस? चलो ग्रेट। नेक्स्ट लिख लीजिए, 150, 148, 143, 133, 116, 80 एंड 53। बोलो क्या होगा यहां पर? यस, यहां पर देखो स्टूडेंट, सी ये डिफरेंस देखो, पहले डिफरेंस देख लेते कितना है। ये डिफरेंस -2 है, ये वाला डिफरेंस -5 है, ये वाला डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? -10। ये वाला बोलो -17 होगा। दिस इज गोइंग टू बी -36। और ये वाला प्रियंका, व्हाट इज नेक्स्ट डिफरेंस? -27। यस, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें ये करना है। अब हमारे लिए ये डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि ये डिफरेंस भी कोई सिमिलर नहीं है, और हमारे लिए डिफिकल्ट होगा कि एग्जैक्टली नंबर कौन सा रॉन्ग नंबर होगा। तो ये केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया थी कि डिफरेंस का डिफरेंस निकालते हैं, तो -2 और -1 में डिफरेंस कितना है? 3 है, यस, -3। तो ये -3, यहां पर कितना होगा? -5। यहां पर कितना होगा स्टूडेंट्स? -7। तो यहां पर देखो, ये -9 होना चाहिए, ये -3, -5, -7, -9, तो -17, -9 स्टूडेंट्स यहां पर होगा
माइनस 26 ये होगा एग्जैक्टली यहां पर होगा माइनस 26। तो 116 में से अगर 26 जाता है तो आपका आंसर होगा ऊपर 90, तो आपका 80 गलत है, ये 90 है। यस, तो ये माइनस 26 होगा, तो आगे वाला क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 37 होगा। यस, ये माइनस 30, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आपका गलत कौन सा नंबर है, 80 इज द रॉन्ग नंबर। क्लियर एवरीवन? तो ये हम लोग ये कर रहे हैं, फाइंड रॉन्ग नंबर वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, 5, 4, 6, 15, 36, 56, 285 एंड 1644। टेल मी कौन सा गलत होगा, 1644। ये वाला एक ट्राई करो और ये वाला भी एक ट्राई करो, दो ट्राई करो, 7, 10, 20, 7, 10, 20, 38, 65, 102 एंड 151, दोनों ट्राई करो। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला ट्राई करते हैं। यहां पर क्या होगा, इंटू वन माइनस वन हो गया, राइट। यहां पर हो गया इंटू टू माइनस टू, सिंपल है। यहां पर होगा इंटू थ्री माइनस थ्री, यहां पर होगा इंटू फोर माइनस फोर, यहां पर होगा इंटू फाइव माइनस फाइव। जब इंटू फाइव माइनस फाइव करोगे तो एक्चुअल नंबर होगा 275 और यहां पर गलत है 285। यस, वेरी गुड नरेश्वर। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में इवन दैट इज वेरी सिंपल, डिफरेंस आप आराम से निकाल सकते हो। ये डिफरेंस होगा प्लस थ्री, ये डिफरेंस होगा प्लस टेन, ये डिफरेंस होगा प्लस 18, ये डिफरेंस होगा प्लस 27,
ये डिफरेंस होगा प्लस 37 ये वाला डिफरेंस आगे वाला डिफरेंस कितना है स्टूडेंट Yes, चलो अब हम लोग ट्राई कर देखो। अब स्टूडेंट देखो अगेन आपने जो डिफरेंस निकाला है उससे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे फाइंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ये डिफरेंस कितना है प्लस 7, ये वाला डिफरेंस कितना है प्लस 8, ये वाला प्लस 9, ये वाला प्लस 10 और ये वाला होगा स्टूडेंट प्लस 11। तो आप मुझे बताइए जब 37 और 11 दोनों का एडिशन कितना होगा 37 प्लस 11 कितना होगा 48 होना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर 49 की जगह पर होगा 48। अगर यहाँ पर 48 हो गया तो 102 प्लस 48 कितना होगा 150। तो गलत 151 है, 150 इज द राइट आंसर और रॉन्ग नंबर 151 है। क्लियर एवरीवन दिस? Okay, Naneshwar, you want me to repeat? Okay. Naneshwar, यहाँ पर देख लो, ये 10, 20 था, 10, okay, यहाँ पर आगे 7 था, right? 7, 10, 20, 38. तो पहले हम लोगों ने क्या किया नानेश्वर, इसका डिफरेंस 3 है, ये वाला डिफरेंस 10 है, ये वाला 18 है, ये वाला 27 है, ये वाला 37 है और ये वाला आपका 49 है, राइट नानेश्वर? अब हमें यह पता चल रहा है कि डिफरेंस से कुछ पता नहीं चलेगा तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, वो आया 7, इन दोनों का डिफरेंस आया 8, इन दोनों का डिफरेंस आया 9, इन दोनों का डिफरेंस आया 10। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10, तो बाय डिफॉल्ट ये भी तो 11 होना चाहिए। तो 37 प्लस 11 कितना होगा 37 प्लस 11 48 होना चाहिए। तो ये 49 नहीं होगा, यहां पर 48 होगा और 102 प्लस 48 कितना होगा 150। आपका गलत रॉन्ग नंबर कौन सा है 151 इज द रॉन्ग नंबर। क्लियर नानेश्वर दिस? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 98, 90, 84, 72, 52 and 22. Tell me क्या होगा आंसर? Wrong number. ओके 98 कैन बी रॉन्ग नंबर एज ऑफ नाउ। हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है यहां पर 8, ये डिफरेंस कितना है, ये वाला डिफरेंस -6, ये वाला डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स -12, ये वाला डिफरेंस -20 और ये वाला -30। अब
इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, पहले ये देख लीजिए, 30 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 स्क्वायर प्लस 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, तो इसका क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 4, इसका स्टूडेंट्स क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 3, इसका क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या होगा, देखो आप क्लियरली पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि ये 5 स्क्वायर 5, ये 4 स्क्वायर 4, तो डेफिनेटली ये सारे नंबर जा रहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये भी तो 6 से कम होना चाहिए, तो कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस 1, और वो कितना होगा स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर प्लस 1 2 होना चाहिए, तो अगर ये 90 है तो ये कितना होगा 92, तभी तो डिफरेंस 2 होगा, तो 98 इज द रॉन्ग नंबर स्टूडेंट। क्लियर एवरीवन? लिख लिया आप लोगों ने ये? ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो ओके, नेक्स्ट सी, ये वाले फास्ट 6, 8, 19 63, 249, 1251, then 9, 5, 6, 11, 23, 60, and next 14.2, 16.3, 12.1, 18.4, 10.6, and 20.5, सारे तीनों क्वेश्चंस करो।
ओके व्हाट इज फर्स्ट आंसर स्टूडेंट्स 6 8 सो यहां पर क्या होगा ओके 6 1 6 प्लस 2 8 होगा 8 2 2 प्लस 3 19 होगा 19 3 जा 57 प्लस 4 इट शुड बी 61 होना चाहिए राइट तो 63 इज रॉन्ग नंबर बिकॉज 19 3 जा होता है 57 प्लस आप 4 ऐड करोगे तो इट शुड बी 61 यस फर्स्ट 63 लेट अस चेक सेकंड वाला सेकेंड में स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे 9 से मुझे 5 चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 लेकिन आपको मिलेगा 4.5 तो प्लस आप 0.5 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा सो यहां पर इंटू 1 प्लस 1 करना होगा इंटू 1.5 प्लस 1. आपको देखो अभी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया रहेगा तो इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2.5 प्लस 2.5 तो व्हाट इज नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी हाँ तो आप जब पर देखो हाँ तो ये वाला 6 × 1.5 कितना होगा 9 प्लस 1.5 अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 10.5 तो आपका ये वाला नंबर जो है 11 वो 10.5 होना चाहिए तो 11 गलत है क्लियर एवरीवन What is next answer going to be? Okay, this clear everyone? This ये वाला clear हो गया है? Okay, and look at the last question of the day and of this topic. By tonight we will get assignments on app. आपको app में ही assignments अपने app में मिल जाएंगे आपके batches में respective batches where we have made assignment column. You can download it from them. Okay, यहाँ पर देखो students, यहाँ पर क्या गलत होगा? ये difference कितना है? Plus 2.1. ये वाला minus 4.2. ये वाला plus 6.3. ये वाला minus 8.4. अब देख लीजिए स्टूडेंट्स अगर 18.4 में से अगर मैं 8.4 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर शुड बी 10 होना चाहिए तो ये गलत है यहाँ पर 10 होगा तो ये रॉन्ग नंबर शायद हमने 10 क्वेश्चंस रॉन्ग नंबर पे किए अलग अलग टाइप के सारे आपको क्लियर हो गए यस थैंक यू मैक्सिमम नंबर पे आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड करने को आता है व्हाट इज नेक्स्ट सीरीज Yes, but wrong number अगर आया तो आपको आना चाहिए that is what we taught you. Hope everyone is hope. So students, okay, कल हमारा जो session रहेगा अभी हमने 5 marks का cover कर लिया है okay, आपको assignments मिल जाएंगे start doing practice. कल हम लोग करेंगे students quadratic equations. It is again a part of maths. और इसको दूसरा नाम है स्टूडेंट्स इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और व्हाट इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी यहां पर हमने स्कूल में पढ़ा था ये वाला कॉन्सेप्ट देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू व्हाट जीरो यहां पर 3 टर्म्स होते हैं ए बी सी तो इस पे आपको कल क्वेश्चन रहेगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और एक टर्म ये रहेगा और एक टर्म ये रहेगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो तो यहां से आपको एक्स निकालना है एक्स का वैल्यू यहां से आपको वाई का वैल्यू निकालना है और दोनों को हमें कंपेयर करना है वेदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई वेदर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई वेदर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई वेदर एक्स इज लेस देन इक्वल टू और एक्स इज इक्वल टू वाई और रिलेशनशिप कैनॉट बी डिटरमाइंड तो ये 5 ऑप्शन दिए जाते हैं जो हम लोग कल कवर करने वाले बहुत टॉपिक बहुत सिंपल है
ये भी अगर आपको एग्जाम में आया तो स्टूडेंट्स ये 5 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें से हम लोग चारों टाइप्स, उसके जितने भी टाइप्स है सारे टाइप्स हम लोग कवर करेंगे. अगेन दिस सेशन विल रिक्वायर्ड मैक्सिमम 2 डेज. तो कल का वेनेसडे और थर्सडे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाएगा, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. इट वाज अगेन रियली अ वंडरफुल सेशन विथ यू ऑल. वी हैड कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस.